हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आज फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप घर बैठे अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं, अपनी आईज़ का ध्यान रखते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखते हैं, पर अपने एड़ियों का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वह अपनी नरिशमेंट खो देती है, रूखापन आ जाता है, हमारी एड़ियाँ फटने लग जाती हैं, यहाँ तक कि खून भी निकलने लग जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर की एड़ियाँ हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारी बॉडी के पार्ट का, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा दिन एड़ियाँ ही हमारे वेट को होल्ड करती हैं, तो फ्रेंड्स हमें उनका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या रूखापन आया हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं आज आपको रेमेडी बता रही हूँ, उस रेमेडी को बनाइए और यूज़ करिए और अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पाइए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मेरा आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मेरा आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक खाली बॉल लेनी है, उसके बाद फ्रेंड्स आप फर्स्ट फ्रेंड्स आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कट कर लेना है। फ्रेंड्स आपको ऐसे पीसेस में कट कर लेनी है कैंडल, उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको इसे अच्छे से क्रश सा कर लेना है। फ्रेंड्स, जो हमने ये मोमबत्ती यूज़ की है ये हमारी एड़ियों को नरिशमेंट देगी, जो उनके दरारें हैं उनको भर देगी, मुलायम बना देगी, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ये मोम। देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है मोम। अब फ्रेंड्स आपको फिर से एक क्लीन बॉल लेनी है, उसके अंदर फ्रेंड्स आपको ऐड करना है 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम राई का तेल बोलते हैं। फ्रेंड्स ये भी हमारी एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा और गुणकारी होता है। अब फ्रेंड्स जो हमने क्रश किया हुआ ये मोम था हमारे पास, 2 स्पून हमें इसमें मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ये फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हमें इसे गर्म करने के लिए रख देना है। देखिए फ्रेंड्स ये मेल्ट हो चुका है, जो हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल और मोम डाला था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपको अपना ये मिक्सचर डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डाल दिया है। अब फ्रेंड्स आपको इसे एज इट इज़ नहीं लगाना है, जब तक ये फ्रोजन ना हो जाए, जब तक ये जम ना जाए आपको लगाना नहीं है। 5 से 10 मिनट बाद ये जम जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने एड़ियों पर अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये फ्रोज होने के बाद हमारा मिक्सचर ऐसे तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूँ, आपको डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ही बनाकर स्टोर करके अपनी फ्रिज में रख सकते हैं, और डेली रात को सोने से पहले आपको इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स आपको मिक्सचर लेना है और अपनी एड़ियों पर जहाँ भी आपको फटे हुए निशान दिख रहे हैं ऐसे आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सो जाना है। सुबह उठकर जब आप नहाते टाइम अपनी एड़ियों को वॉश करेंगे, जो आपकी एड़ियों की फटी हुई दरारें थी वो भर जाएंगी। फ्रेंड्स तो आपको इस मिक्सचर को कम से कम 10 से 15 दिन तक अपनी एड़ियों के ऊपर रात को अप्लाई करना है, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी एड़ियाँ मुलायम, सॉफ्ट और दरारों से युक्त हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ
और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, कहीं आपकी अगली वीडियो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।